अब आप तमाम लोगों को आप तमाम हाजरीन यहाँ पर बहुत बहुत खैर मकदम है आपका और अच्छी ख़ासी भीड़ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आ जाए और बहुत अच्छी सी महफिल सजी है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा तो हम मुझे पता है हम सब लोगों ने कितना ज़्यादा मिस किया है जश्न रेख्ता में हाजिर होना ऑफलाइन ऑनलाइन ये पिछले दो साल जो रहे हैं उसमें इस तरह की खूबसूरत महफिलें सजी नहीं और इसलिए इस दफ़ा और भी ज़्यादा बातचीत का आमने सामने रूबरू होकर मज़ा आएगा तो शैलेश लोडा हमारे साथ हैं मुझे पता है कि इनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है इनकी जो शख्सियत है उसकी तमाम परतें आज से आप तमाम लोग जरूर यहाँ पे वाकिफ़ हैं एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों से गर्म जोशी से खैर मकदम करेंगे शुक्रिया शुक्रिया हम ये भी जान रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो आपको सुनने के लिए यहाँ पर बेचैन हैं। तो आप कहेंगे हम सब सुनेंगे आ, जी, लेकिन मैं जानता हूँ देखने लायक तो मैं हूँ ये है शैलेश लोड़ा की शख्सियत की एक ख़ासियत जिससे आप ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं बे इनहा विट बे इनतहा ह्यूमर और इसलिए महफिल बहुत दिलचस्प होगी इसका हम सबको यकीन है शैलेश साहब शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें बातचीत की शुरुआत किसी एक जगह से करनी होगी आप तमाम लोग जानते हैं इनको बतौर एक शायर बतौर एक कवि बतौर एक एक्टर भी तो कितनी सारी तहें हैं इनकी शख्सियत की एक्टिंग भी की इन्होंने और आ, कविता तो ये मतलब पत, जिसे कहते हैं घुट्टी में मिली शायद बचपन से ही कविता कर रहे हैं वो तो आ, पहले जरा सी बातचीत की शुरुआत में करना चाहती हूं कि ये जो कविता का सफर है आपका बतौर एक कवि नौ दस साल की उम्र से आपने ने शुरू कर दिया तो वो क्या लम्हा रहा जहां आप एक दस साल का बच्चा कविताएं लिखने लग गया शैलेश साहब देखिए दस साल की उम्र में दिल तो टूटते नहीं है आज की बात अलग है क्योंकि आज का ज़माना तो ऐसा है कि मैं अपने घर से निकल रहा था तो एक 12 साल के बच्चे को मैंने टेलीफोन पे बात करते हुए सुना तुम है ना बच्चों ऐसी बात मत किया करो <laughs> तो आज का ज़माना थोड़ा सा अलग है उस ज़माने में दिल तो टूटते नहीं थे कि आदमी शायर हो जाए लेकिन गाँव में पला बड़ा हूँ मैं राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गाँव में तो अकेला रहता था घर पर बहनें हॉस्टल में पढ़ती थी और स्कूल से आने के बाद मेरी साथी सिर्फ मैगजीन्स हुआ करती थी क्योंकि समाज कल्याण विभाग में, में पिताजी काम करते थे तो मैगजीन्स बड़ी आती थी हमारे घर में धर्मियोग साप्ताहिक हिंदुस्तान सरता कादम्बिनी नंदन चंपक पराग ये उस जमाने की मैगजीन उन्हें मैं पढ़ता रहता था और शायद कुछ क्रिएटिविटी तो होगी तो जब अकेला था और बीमार भी पड़ा रहता था घर में कई बार बहुत बीमार हुआ तो एक रजिस्टर और पेन कॉपी वो मुझे दे जाते थे तो मैं कभी कार्टून बनाता कुछ करता और उसमें लगा इतना जब पढ़ता तो मुझे लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ शायद तो तुकबंदी सी कुछ की कविता तो मैं उसे क्या कहूँगा लेकिन आप इसे कहें खुदादा सालाइयत है ये खुदा दे के भेजता है ईश्वर दे के भेजता है जब लोग मुझे कहते हैं कि कविता का शौक़ कैसे पैदा हुआ तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये शौक़ मुझे कैसे पैदा हुआ ये नहीं मुझे पता लेकिन ये शौक़ लेके ही में पैदा हुआ था तो दस ग्यारह साल की उम्र में जो लिखना शुरू किया सितंबर उन्नीस सौ की बात है और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि 30 सितंबर उन्नीस के दिन ही राजस्थान में कस्बा है सुमेरपुर वहाँ मैं पहले ही पहली मेरी प्रस्तुति एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच पर हुई और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ वो जो तालियों की गूंज कानों में रही मुझे लगा कि शायद रास्ता यही ठीक है और वो कवि शैलेष से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि नगमा जी मुझसे बात कर रही हैं नहीं है, बहुत हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी हमें इज़्ज़त अफजाई हम इज़्ज़त बख्शी है आपने कहा बाल कवि शैलेश के तौर पर आपकी पहचान हुई पर वो आप कवि बाल कवि शैलेष जब बड़ा हो रहा था तो ये एक्टिंग की राह कैसे पकड़ ली फिर आपने एक कवि आपकी पहचान थी पहचान बन रही थी लोअर क्लास आदमी के जीवन में इतने लोन होते हैं कि उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं यहां से नहीं चुका तो यहां से चुक जाएगा खैर ये तो लाइटर साइड पे है एक्टिंग भी फिर से मैं ये कहूँगा कि मैंने तलाश नहीं किया उसने मुझे तलाश किया जब हिंदी कवि के मंचों पे जब पूरे देश में इतना प्यार मिला और इतनी इज़्ज़त अफजाई हुई और लोग इतनी मोहब्बत करने लगे तो सब टीवी के ओनर उस वक्त हुआ करते थे मार्क अधिकारी उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए मुझे इनके साथ काम करना है और इस तरह से वो पहला टेलीविजन शो वाहवा जो आज से बाईस बरस पहले हिंदी कविता का शो जो आया था और उसे मैंने किया और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ वाह वाह वा, उसके बाद बहुत खूब क्या बात है कॉमेडी सर्कस वाह वाह क्या बात है नुक्कड़ के शेर सामने वाली खिड़की तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं और अब वाह भाई वाह सब चल ही रहा है वाह भाई वाह नया शो है आपका जिसे आप कमाल है कि हर दिन करते हैं जी हर दिन हो करते बावजूद उसके आपने वक्त निकाला है और हमारे साथ स्टेज पे हैं और इन तमाम इस तरह की महफिलों में आप फिर भी जा पा रहे हैं तो ये कविता का आपका जो शौक है मैं ये समझना चाह रही हूं कि आप एक्टिंग करते करते फिर आपने एक्टिंग छोड़ी क्यों अब एक्टिंग छोड़ी का है अभी भी आप एक्टिंग कर ही रहे हैं मैंने एक शो छोड़ा है <laughs> जी <laughs> मैंने <laughs> एक्टिंग नहीं छोड़ी है तो ये अभी हमारे साथ जो यहाँ बैठे हैं इस वक्त जो शैलेश लोड़ा बोल रहे हैं वो भी एक एक्टिंग एक तो है <laughs> नहीं इस वक्त मैं एक्टिंग नहीं कर रहा इस वक्त में आपके साथ बड़ा नेचुरल है मैं एक्टिंग कर रहा था तो बहनों और भाइयों वैसा कुछ करता जी जी, जी। नेचुरल हूँ। जी जी बहुत आराम से बात कर रहा हूँ जैसे रेडियो पे हमारे एंकर्स करते हैं ना जी जी तो सुनिए आप वैसा कुछ नहीं बहुत नेचुरल हो एक्टिंग नहीं छोड़ी एक्टिंग तो जब आपने शुरुआत की तो एक्टिंग आपके लिए बहुत आसान रही कवि शैलेश जो है वो एक्टिंग की तरफ देखिये हिंदी कविता जब आप वाचक परंपरा में आप भी हैं आप एंकर करती हैं शो और जब भी कोई व्यक्ति वाचक परंपरा में होती है तो अभिनय उसमें शामिल होता है जीवन में भी तो अभिनय शामिल होता है बिल्कुल जीवन में जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो आपका आपकी जो आंगिक भाषा है आपके जो शब्द हैं उनका जो संयोजन है उसमें जो आप उस पर जो जोर डालते हैं वो ऐसी जगह पर डालेंगे जरा जरूरी है आपने मतलब किसी पर गुस्सा आ जाए तो कभी आप ऐसे कहते हैं कि मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा इस अंदाज में तो नहीं कहते हैं। हम कहते हैं, मैं एक दूंगा ना तुझे ये एक दूंगा का जो भाव है उसमें अभिनय शामिल है इस जीवन में जो अभिनय कर रहे हैं वो नेचुरल निकलता है बाहर जब कैमरे के सामने कर रहे हैं उसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि जब आप दो व्यक्ति होते हैं कैमरे के सामने और जिस वक्त आपका क्लोजअप होता है तब कैमरा नहीं कैमरे के पास वो व्यक्ति नहीं होता आपको कल्पना करनी पड़ती है कि वो व्यक्ति वहां खड़ा है तो फिर वहां अभिनय थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुश्किल हो जाती है लेकिन करत करत अभ्यास ये होत सुजान और अगर जिंदगी में मुश्किलों से आप डरने लगे तो फिर जिंदगी क्या है आसान रास्ते ढूंढने से जिंदगी नहीं बनती और मुश्किल तो नहीं था लेकिन होता रहा चलता रहा और काम हो गया तो एक शो आपने छोड़ा आपने कहा पर वो शो जो था वो बिल्कुल वनवास जैसा था चौदह साल का <laughs> वजह कुछ उससे वनवास से बाहर आने को आप आतुर थे देखिए वजह तो अब अभी तक तो मैंने नहीं बताई है किस दिन बताऊंगा आज नहीं तो कल लेकिन वजह अभी तक मेरे पास ही है उसे मेरे पास रहने दिया जाए। आज ही, ही है। आज है पब्लिक अच्छा क्या करें आज पब्लिक आज आज ही जानना है कि क्यों छोड़ा यार तो राष्ट्रीय प्रश्न हो गया द नेशन वॉन्ट्स टू नो अब क्यों छोड़ दिया क्या छोड़ दिया ये तो कहूँ लेकिन हाँ लोगों को एहसास तो हो जाता है कहीं ना कहीं लोग अपना अंदाज़ लगा लेते हैं क्या वजह रही होगी एक मशहूर शायर है उसके दो शेर मुझे याद आते हैं बस इतना सा जवाब समझ लीजिए कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती दे दुनिया वो कहते हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती देने को मैं भी उसे गाली दे सकता हूँ मैं मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती क्या बात है क्या बात है तो समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है <laughs> आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो समझ गए होंगे शैलेष साहब इसके पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं बातचीत के बीच बीच में आपकी कविताएं आपकी रचनाएं ये शामिल होना बहुत ज़रूरी है आपने नया कुछ ताज़ा कुछ लिखा हो तो यहाँ जो आज ख़ास जो हाज़रीन मौजूद हैं आप उनको सुनाएंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मगर पैसे सुनाने का मजा ही कुछ और होता है <laughs> क्योंकि बाकी लोग तो हम बड़ा चार्ज करके जाते हैं लेकिन ये एक ऐसी महफिल है जहाँ लोग आना चाहते हैं क्योंकि ये मोहब्बतें जो है ये बड़ी कमाल की है और जुबान से मोहब्बत भाषा से मोहब्बत कविता से मोहब्बत काफ़िए से मोहब्बत रदीफ़ से मोहब्बत यह मोहब्बत कहाँ मिलती है और ये मोहब्बत जो इस तरह से है और यहाँ बैठ कर मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो मैंने नया लिखा है वो भी और जो मुझे बीच बीच में याद आ गया वो भी मैं सुनाता रहूँगा कहीं ना कहीं ठीक तो अच्छा भी आप सुनने के लिए बिल्कुल इरशाद लोग इंतजार में हैं आपने कुछ नया लिखा है आप सुनाएं, नया प्लीज नया लिखा मुझे याद नहीं उसमें कागज देखना पड़ेगा लेकिन तब तक मैं वो चार पंक्तियां सुना देता हूँ आपने कहा कि आप बचपन में कविताएं करते थे जी लेकिन ये जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगता है मैं एक लोअर मिडिल क्लास से निकल के आया मैं निम्न मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ छोटे छोटे गाँव में रहता था और कुछ नहीं होता था लेकिन सब कुछ था आज सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है लेकिन ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना इसकी एक बड़ी खासियत है हमारी तासीर में एक बात है कि हमारे पास और कुछ ना हो लेकिन हमारे लबों पे तबस्सुम जिंदा रहने का सबब हम ढूंढ ही लेते हैं हमारे चेहरों में मुस्कुराहट रहे ये सबब हम ढूंढ ही रहते हैं उत्सव कैसे मनाया जाए है है हम कर ही लेते हैं किसी को याद है कि कोविड हुआ था हम मास्क लगाए घूम रहे थे और घूम क्या रहे थे घूम तो रहे ही नहीं थे घर में पड़े हुए थे उस वक्त लग रहा था जिंदगी रुक गई है लेकिन आज हम फिर से उत्सव मना रहे हैं तो जिंदगी में कुछ हो न हो ये जो उत्सव मनाने का जो हमारा भाव है हिंदुस्तानी भाव ये दुनिया में सबसे मशहूर है और ये होना भी चाहिए मशहूर से ज्यादा दुनिया में सिर्फ हमारे पास है तब मेरी चार पंक्तियां मुझे याद आती है मैंने लिखा था कि हम लोअर मिडिल क्लास वालों की जिंदगी आखिर है क्या देखिए ये चान और शौकत है ये वैभव इस देश के यथार्थ का हजारवा हिस्सा भी नहीं है भूख गरीबी शोषण वेदना पीड़ा बहुत जगह बिखरी पड़ी है और जिन गाँव में जिन बच जिस बचपन को मैंने गुजारा वो ऐसा बचपन था कि जहाँ सुबह चूल्हे जलते थे तो ये पता नहीं होता था कि शाम को उस पर तवा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा या जिस पेट ने सुबह खाना खाया उसे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी या बच्चे जैसे कदम स्कूल की तरफ जाने चाहिए वो बूट पॉलिश करने जा रहा है वो स्कूल कभी जाएगा या नहीं जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारी ज़िंदगी है उससे मोहब्बत जो है तब मैंने चार पंक्तियाँ यूँ कही थी कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना ये हमारी ज़िंदगी थी क्या हम हैंडपम्प में पानी भरने जाया करते थे ख़ासतौर पर बाल्टियाँ ले कर पानी की कमी तो एक कारण था ही लेकिन पड़ोस की लड़कियां भी जाती थीं। तो हम सारे लोग जाया करते थे तो जिंदगी क्या थी कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने आखिर वही तो हैं अपने अरे भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है ये जो मोहब्बत है ये ज़िंदा रहना चाहिए क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया तो इन मोहब्बतों और इन तमाम दुश्वारियों के बीच से कविताएं आपकी निकली हैं आपको लोगों ने स्टेज पे हमेशा एक हास्य एक मजाया बातचीत ह्यूमर वेट इनमें देखा है लेकिन आपने रिश्तों पे भी बहुत कुछ कहा शैले जी और जी। आप मतलब अगर अगर मैं कहूं कि रिश्तों के शायर हैं रिश्तों के कवि हैं आपने माँ पे लिखा है आपने बेटी पे लिखा है तो कई बार ऐसा लगता है ना कि इंसान बहुत हंसता हंसाता है अंदर में काफी गहरे जो जज्बात हैं वो भी रहते हैं तो उन उन जज्बातों वो क्या जज्स जो भी हंसता हंसाता है हमारे एक प्रसिद्ध कवि हैं उनका एक उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं वो कहते हैं कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा क्या बात है जी अगर आप भरे हुए नहीं हैं तो ह्यूमर हो ही नहीं सकता माँ पे लिखा बेटी पे लिखा पिता पे लिख नहीं पाया इसलिए उन पे लतीफे लिखे लेकिन अपने ही परिवार पे लिखा और आसपास जो भी दिखा वो लिखा ह्यूमर है मेरी बातचीत में है मेरे अंदाज में है तो मैं आपसे ये आगे बढ़ने से पहले पूछूं कि आपने आसपास अपने ही परिवार पे क्यों लिखा लोग, लोग इंस्पिरेशन आगे ढूंढते मेरे घर में ही जब इतना बढ़िया रॉ मटेरियल उपलब्ध है तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत क्या है जैसे मेरे पिताजी आपको भी मिले जाके उनसे जोधपुर राजस्थान में रहते हैं बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं अद्भुत पिताजी हैं वो मतलब इतने कमाल के पिताजी मुझे लगा कि मुझे यही लिखना चाहिए जो करते हैं वो वो कमाल के पिताजी हैं क्लास में मुझे टीचर मैथामेटिक्स पढ़ा रहे थे बोले खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो गया आपने देखा मैथामेटिक्स में उदाहरण देते हैं आप आ, मैं हिंदी स्कूलों में पढ़ा हूँ हमारे मित्र भी पढ़े होंगे वो तीन बिंदु बना देते हैं चूंकि माना की तो बना दिया ऐसा तो चूंकी बना के बोले मेरे को गणित पढ़ा देते खड़े हो गए बोले मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ समझाओ बोले मान लो तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में सौ रुपए है और दूसरी जेब में डेढ़ सौ रुपए है इसका क्या मतलब मैं इनका पैंट किसी और की है मैं जानता हूं वहां क्या हो सकता है बोले नहीं गणित पढ़ा रहा हूं पिताजी सौ इधर से दे दे डेढ़ सौ इधर से दे दे इसका क्या मतलब मैं बाप किसी और का है अठंडी दे दे वो कभी नहीं सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान है मतलब उनके पास कोई एक आदमी मांगने के लिए आया आप उनका जवाब देखो बोले साहब चंदा दीजिए बोले किस चीज़ के लिए बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है बोले खड़ा हो जाओ खड़ा हो तो किस चीज़ के लिए पैसा मांग रहा है जितनी जरूरत ही नहीं है शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल जो, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता काय की दीवार काय का पैसा निकल अच्छा मेरे चाचा जी तो उससे भी आ गए हैं लोग उनसे अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए उन्होंने तो औलाद दे दी तो जब आपके आसपास ही ऐसा रॉ मटीरियल हो तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है तो ये जो खासियत है आपने काफी अपने ही कौम के ऊपर बहुत सारे लतीफे भी सुनाए मारवाड़ियों के ऊपर तो आप पे भी कुछ ये असर आया कि नहीं है ये ये मैं, मैं ये जो ये जो जो मैं मारवाड़ी एक किफायत का आपके पिताजी ने एक एक पैसा भी किसी को नहीं दिया नहीं नहीं, ऐसा नहीं है देखो <laughs> हम सोच समझ के खर्च करते हैं ऐसे नहीं है कंजूस नहीं है सोच समझ के खर्च करते हैं जी आप जाइए इतनी प्याऊ इतनी धर्मशाला नहीं, 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 भी भी नहीं है हर चीज की अच्छा बार बार समझदार होता है हम लोग समझदार लोग हैं हमें मालूम है कब क्या करना और कैसे करना जैसे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था हाँ अब आप समझो सोच समझ के खर्च करने का अल्टीमेट उदाहरण देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर भिखारी खड़ा हुआ था तो अंदर से कमिश्नर ने कह दिया चला जा चला जा तेरा यहां काम नहीं है वो बोला रिटर्न में नहीं भरूं <laughs> अगली बात मजेदार है उसने कहा यार भिखारी होकर रिटर्न भर रहा है बोले नहीं रिटर्न भरा इसलिए भिखारी हो गया <laughs> तो पैसा बड़ी काम की चीज है और रही बात बारवाड़ी की तो हम लोग बड़े समझदार लोग हम लोग समय पे सब कुछ करते हैं <laughs> अच्छा उसे उस चीज़ को निकालना उसे बाहर करना ये बस ये था कि मेरे आसपास इतने लोग और हम लोग जो करते हैं वो हमारा अपना एक तरीका है और उस तरीके को मैं कहता रहा और लोगों को बड़ा आनंद आता रहा आपने स्टेज पे काफी अब लोगों के सामने रखा है इसको तो आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के से इनको जानकारी इनसे वाकफियत नहीं होगी तो जरा बताए क्योंकि हमने सरदारों पर तो बहुत सारे लतीफे सुने और जो सरदार है उन्होंने खुद पे भी लतीफे बनाए दूसरे लोगों ने भी पर मारवाड़ियों पे शायद लतीफे बनाने वाले आप पहले शख्स हैं नहीं मैंने लतीफे नहीं बनाए मैंने वही जो मेरे आस होता है वो देखा वो खुद लतीफा था वो हमारे आसपास जो होता है वो कमाल का हमारे लोग बड़े कमाल के हैं जी अद्भुत लोग हैं इंटेलिजेंट

प्रैक्टिकल अप्रोच है हम लोगों की हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके अंदर कुछ जो बड़ी सतही हो या जो काल्पनिक हो हम लो लोग प्रैक्टिकल लोग हैं मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ से तो कोई आदमी जेल में भी चला जाए तो अपना काम कर लेता है एक चला गया जेल में बड़ा मज़ेदार है सुनना जेल में चला गया तो उसके पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी अभी देखिए ये बारीक काम कैसा होता है तो इंटेलिजेंट लोग ज़रूर समझ जाएंगे तो पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी कि तू तो जेल में चला गया है अब पीछे खेत पड़ा हुआ है अब इसे कैसे मैं इसमें से फसल बोंगा क्या करूंगा इसे खोदना पड़ेगा और तू जेल के अंदर बंद है मैं अकेला क्या करूंगा तो उसने जेल से वापस चिट्ठी लिखी पिताजी को कि नहीं 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 खेत को हाथ भी मत लगाना क्योंकि जो मैंने सोना चुराया है वो वहीं दबा हुआ है अब ये चिट्ठी पहुंची पिता के पास तीन दिन बाद पुलिस पहुंची और सारा खेत खोद दिया तो जो दिखता तो। है वो होता नहीं है जो होता है वो दिखता नहीं है तो बहुत अलग अलग चीज है जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि जो नजर आता है वैसा नहीं होता जैसे एक थे जो बड़ा लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे और प्रवचन देते थे और देहावसान हो गया ऊपर पहुंच गए तो ऊपर वो जब बारी आ रही थी कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नर्क में जाएगा तो उनके साथ साथ एक व्यक्ति और पहुंचा जो बस चला था ड्राइवर था वो भी पास में खड़ा हुआ था तो सबसे पहले उनको पूछा आप क्या करते हैं बोले मैं ये करता हूँ ये प्रवचन देता हूँ और ये है वो है अच्छा आप एक मिनट वेट करिए आप क्या करते हैं बोले मैं बस चलाता हूँ सरकारी ड्राइवर हूँ बोले अच्छा आप स्वर्ग में जाइए तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया वो चौंके कि बोले ये क्या हुआ आपकी क्या बात कर रहे हैं भाई मुझे आपने इंतज़ार करने के लिए कह दिया इन्हें कह रहे हैं आप जाइए आप स्वर्ग में चले जाइए मैं जब बोलता हूँ तो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं ईश्वर को याद करते हैं और इतना बड़ा काम मैं कर रहा हूं और आप मुझे कह रहे हैं वेट करिए और आप बस के ड्राइवर करके अंदर चले जाइए बोले देखिए गलत फहमी है जो आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है आप जिस वक्त बोल रहे होते हैं तब जरूरी नहीं है कि लोग ईश्वर को याद करें वो बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं बात कर रहे होते हैं लेकिन ये जब जब बस चलाता है लोग ईश्वर को याद करते हैं उसमें बैठने वाला उसके बाहर वाला सिर्फ ईश्वर को याद करता है तो जो नजर आता है वैसा नहीं होता आप शैली जी व्यवहारिक हैं आपके आसपास किसी और प्रेरणा की जरूरत नहीं है आसपास जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रेरणाएं हैं कि उनमें ऑब्जर्वेशन आप देखिए ना आसपास ऑब्जर्वेशन के पॉइंट हैं। आपको हाँ। लोग इतने मिल जाएंगे आप बातचीत करिए उसमें से ह्यूमर निकलेगा ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग इस तरह के सवाल करते हैं इस तरह के जवाब देते हैं आप उनमें से ह्यूमर निकाल लीजिए और तो जिस इलाके से आप आपकी जाए पैदाइश जो है वो जोधपुर है राजस्थान के आप हैं वहाँ का ह्यूमर जो है आप फिर बम्बई में आपने वक्त बताया बम्बई का ह्यूमर वहाँ का ह्यूमर कुछ अलग किस्म का होगा कुछ आपने फर्क पाया या क्या खास है उधर वैसे ह्यूमर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता <laughs> अंदाज अलग यहाँ का ह्यूमर वहाँ का लेकिन हाँ ये होता है लेकिन जो रस्टिक ह्यूमर है ना हमारे जो हमारे गाँव के अंदर जो बैठता है वो कमाल के लोग हैं वो अद्भुत लोग हैं उनका ह्यूमर मतलब कमाल का है जैसे महानगरों के दो तीन जो जवान लड़के होते हैं ना चले गए गांव में तो एक गांव वाला लड़का बैठा हुआ था हमारे वहाँ तो उस पर प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने कहा कि इस पर गांव वाला इस पर जरा प्रभाव जमा देते हैं तो बोला ओ, जो था एक आया बोले मेरे घर में तुम्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ मेरे घर का बाथरूम दस लाख रुपये का है तो दूसरे ने कहा यार इस पर और ज्यादा प्रभाव जमाया जाए बोले मेरे घर का बाथरूम बीस लाख का है तीसरे ने कहा पचास लाख का है अभी गाँव वाला कुछ नहीं बोला बैठा रहा आपने। बोले कितने का है बोले पचास लाख का बोले रोज सुबह जहां जा जाते हैं वो जमीन छह करोड़ की है ये ह्यूमर है। हम उन्हें कम नहीं आंक सकते और उनसे जो बात निकलती है ना उसका मजा कुछ और होता है इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है ह्यूमर कैसा होता है जैसे एक बस जा रही थी एक सज्जन बैठे हुए थे धोती में बूढ़े पा और एक लड़का पास में बैठा हुआ था तो लड़का सिगरेट पी रहा था तो उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकनी चाहिए उसकी राख जो है वो उनकी धोती पे गिर गई और थोड़ा सा जल गया अब लड़कों को पता चल गया कि धोती जल गई है तो गड़बड़ हो गई है तो अब मैं इस बात को थोड़ा सा बैलेंस करूँ ठीक करूँ तो बैलेंस करने के अंदाज़ में उनसे कहने लगा हाँ आपका कौन सा गांव है इन्होंने कहा क्यों उसे भी जलाना है ये जो अंदाज है ये आपको हमारे देश के हर हिस्से में मिल जाएगा हिंदुस्तान मुझे नहीं मालूम दुनिया के सूचकांक इसमें क्या कहते होंगे लोग कहते हैं फिनलैंड दुनिया का सबसे सुखी देश है मैं कहता हूं हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खुश, सुखी देश है हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है हम सारी मुसीबतों से उम्र निकाल लेते हैं हम परेशानियों से हाथ से निकाल लेते हैं हम एक दूसरे को व्यंग करते हैं निजी जीवन में वो क्या हास्य तो है और है क्या हम तमाम परेशानियों में भी हंसना जानते हैं हमसे ज्यादा सुखी और खुश कौन होगा तो ये हमारे देश की तासीर है हमारे देश की ताकत है हम जो करते हैं हम जो महसूस करते हैं वैसा और कोई नहीं कर सकता सही कहा आपने इससे बहुत सारे खास करके सरकारें बहुत खुश होंगी जहाँ लोग रोना धोना कर रहे होते हैं कि हिंदुस्तान में ये नहीं वो नहीं आपने कहा हम आप सबसे खुशहाल देश हैं आपके मैंने आप, देखा है कि तमाम लोगों के अपनी अपनी कुछ एक राजनीतिक विचारधाराएं भी होती हैं कि आप इधर हैं या अब उधर हैं और आजकल तो चाहे आप एक्टर हों चाहे आप कवि हों चाहे आप, आप बॉलीवुड हों एक कोई ना कोई खेमा बटा होता है या तो आप इधर हैं या इधर हैं शैलेश लोडा कहा है अभी तो यहाँ है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी अभी तो मैं यही हूं देखिए मैं बहुत साफ तौर पे कहूं राजनीति मेरा विषय नहीं है और मैं कभी भी राजनेताओं को गालियां नहीं देता मंच से भी इसका कारण ये नहीं कि मैं डरता हूं मैं इसलिए नहीं देता कि मुझे देने का अधिकार नहीं है लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जी मैं कहता हूं मुझे क्या अधिकार है और क्या राजनीति को गाली देने से देश का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और मुझे अधिकार इसलिए नहीं है कि मुझे अपने भीतर झांकना चाहिए मैं ट्रेन में जाता हूँ और मेरे पास सीट नहीं होती मैं टीटी को पांच सौ रुपए देकर सो दे के, के जाना चाहता हूं क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा मैं टोल टैक्स पे जाके अपनी गाड़ी साइड में से निकाल के पैसे नहीं देना चाहता क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा मैं नंबर बढ़वाने के लिए अपने टीचर के घर जाता हूँ क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूँ क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा है ट्रैफिक पुलिस को देखते ही घूम के निकल जाता हूँ क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा एक बटा एक करोड़ हिंदुस्तान आप हैं एक बटा एक करोड़ हिंदुस्तान मैं हूँ आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूँ मुल्क का भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा जी, तब पंडित गोविंद व्यास जो बड़े मशहूर कवि रहे हैं इसी दिल्ली में रहते हैं उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है वो कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। और बात इधर उधर होने की है ही नहीं मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं आप मेरे से राजनीतिक विचारधारा समझे ना समझे अब मुझे बोलने की जरूरत इसलिए मुझे नहीं महसूस होती कि देश को एक ऐसा प्रधान मिल गया है जब बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है जी ट्वेंटी में आपने देखा हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे हमारे देश के प्रधान हैं हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधान से अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए बेताब हो रहा है तब तो, जब कोई है काम हो रहा है देश आगे बढ़ रहा है तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं दिल्ण, लगती। दिल्ण, बोलने की आवश्यकता नहीं लेकिन एक परंपरा रही कवियों की कलाकारों की कि जो भी सत्ता है उसके खिलाफ कम से कम उनको चेताए रखें देखिए तो सत्ता मैं के खिलाफ मैं नहीं, नहीं, नहीं कह रही कि आप खिलाफ बोले। मैं कह रही हूँ आपने कहा आप ऑब्जर्वेशन के कवि है तो आस चाहे वो एक जमाने में नोटबंदी हो कहीं कभी कोई और मसला हो क्या आपको इन विषयों ने भी प्रेरित किया आपने इन चीज नोटबंदी पे नहीं बोलने का मेरा एक ही कारण है जो बहुत पर्सनल कारण है जी आठ नव मेरा जन्मदिन है <laughs> तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है सत्ता के खिलाफ नहीं होता कभी कभी अव्यवस्था के खिलाफ होता है कभी असमानता के खिलाफ होता है कभी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता वो कर्म के खिलाफ होता है तो ये जरूरी नहीं है कि हम सत्ता के खिलाफ जाएं या सत्ता के पक्ष में रहें लेकिन जब आपको लग देखिए विरोध ही तो एक चीज़ नहीं होती ना जब आपको लगता है कुछ अच्छा है तो तारीफ भी होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल जब अच्छा है तो अच्छा है बुरा है तो बुरा है इसमें क्या दिक्कत है हुँ, 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 हु, अच्छा है तो अच्छे को स्वीकार करिए बुरा है तो बुरे को स्वीकार करिए बहुत सिंपल सी चीज है बुरा है तो कहिए बुरा हुँ. अच्छा है तो कहिए अच्छा बिल्कुल सही सही कहा आपने कभी अपने आसपास की चीज़ों पे ही कविता कहता है आपका भी इंस्पिरेशन जो है आपकी जो प्रेरणाएं हैं वो अपने आसपास से हैं तो मैं पूछूं कि इन दिनों आपको क्या चीज प्रेरित कर रही है तो वक्त ही नहीं मिल रहा है कि कि कहीं से देखिए क्या होता है लेकिन बता दूं शैलेश जी कहिए हम आप एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत ही मसरूफ रहे अमेरिका में थे अमेरिका से लौटे शायद एक दो दिन पहले उसके बाद कार्यक्रम कल कहीं और था आज यहाँ है और शाम को फिर रवानगी है मुंबई तो इन तमाम मसरूफियात के बावजूद वो यहाँ पे है और बता रहे थे मुझे जाहिर है कि थकान है सफर की भी बावजूद इसके हम सब के बीच आप, आप भी परिश्रम सारे लोग करते हैं आप भी बड़ी मेहनत करते हैं हस्तीमल हस्ती एक बड़े शायर है आपने उनकी गज़ल बड़ी मशहूर सुनी होगी कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है वो हस्ती मल हस्ती साहब का एक शेर मुझे याद आ गया वो कहते हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला और सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला तो अगर कुछ करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल इनकी तमाम आपकी परिश्रम आपकी मेहनत और जहां आप हैं उसके लिए एक बार फिर से ज़ोरदार ताली तो ज़रूर बजानी चाहिए कि वरसे में किसी को कुछ नहीं मिला मेहनत की आपने और आज आप यहां पे हैं और इतने सारे चाहने वाले जो सब आपको सुनने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे शैलेश जी एक और कविता आपकी कोई हो जाए या मैं पूछूँ कि आप को किसी कोई कवि ने से आप मुतासर हुए या किसी की कविता आपको बहुत अच्छी लगी हो अलग अलग उम्र में अलग अलग पसंद मैं छोटा था तो मुझे बालकवि बैरागी जी को सुनना बहुत अच्छा लगता ओम प्रकाश आदित्य जी बालकवि आदित बैरागी जी बाल बेरागी जी, जी। इन्हें जब मैं सुनता था तो मुझे बहुत माया गोविंद जी जब वो गीत पढ़ती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो उन्हें सुन के मुझे लगता था क्या बात है बैरागी जी अब दुनिया में नहीं है लेकिन जब वो पढ़ते थे उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आ गई बैरागी जी जब नई पीढ़ी को देखते थे वो कहते थे कि क्या कहा अंधेरा जीत गया और क्या कहा उजाला हार गया और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया नहीं नहीं ये झूठ बात है साजिश है मक्कारी है और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है गद्दारी है तो जब वो पढ़ते थे उनका अलग अंदाज होता था हम लोग तो बस काम कर रहे हैं अपना तो शली जी आज की पीढ़ी के लिए भी आप कुछ कहेंगे आज की वो पीढ़ी जो चौबीसों घंटे अपने फोन पे होती है अपने सोशल मीडिया पे होती है आपने मुझे बातचीत में बताया कि आप बहुत पढ़ते थे आपको पढ़ने का शौक था वक्त था कि और आप वो वजह रही कि आपने लिखना शुरू किया लेकिन अब तो चेहरे अगर स्क्रीन से नजर हटे तो लोग पढ़े भी मैं अक्सर कहूँ उन्नीस सौ सैंतालीस के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता ना तो हम आज़ाद नहीं होते हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए <laughs> हमारी सारी क्रांतियां इस पे सारा ज्ञान इस पे सारा विचार बोध इस पे कमाल की यूनिवर्सिटी है और लगे पड़े हम इस पे और अब जीवन की सच्चाई यही हो गई है आप इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं आप तब जाने जाएंगे लेकिन विडंबना देखिए आप नेहा कक्कर जी मेरी भी अच्छी मिलने वाली है मित्र हैं लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं जिस देश में इंस्टाग्राम पे नेहा कक्कर जी के सत्तर बहत्तर मिलियन फॉलोअर हो और आशा भोसले जी के साढ़े चार लाख फॉलोअर हो तो क्या माना जाए सिर्फ ये माना जाए कि हम वहां पे चरित्रों और व्यक्तित्वों को नहीं देखते चेहरों को देखते हैं आशा भोसले जी का गायन देखिए कलाकार सब हैं लेकिन ये जो नई पीढ़ी जो हमारी है ये जो लोग हैं जो हम समझते दुनिया यही है ये नहीं है हमारे हालत कैसे हो गई है कि मोबाइल ख़राब तो बच्चा जिम्मेदार और बच्चा खराब तो मोबाइल जिम्मेदार <laughs> हमारा हाल ऐसा हो गया बिल्कुल सही कहा लेकिन अगर आप किताबों से दूर चले गए तो यकीन मानिए अपने आप से दूर चले जाएंगे अगर छपा हुआ शब्द आपके सामने नहीं है अगर उस कागज की खुशबू आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो जीना व्यर्थ है इसलिए भी कितनी जरूरी है ये महफिलें जहां पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं बहुत जरूरी है। इस वक्त तो उम्मीद है कि अपने अपने फोन स्क्रीन से तमाम लोग दूर होंगे नहीं तो शैलेश जी बहुत नाराज हो जाते हैं अगर आप मैं मैं बंद बंद करवा करवा देता देता रिकॉर्डिंग हम इतने संवेदनहीन हो गए किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बताते नहीं हम रिकॉर्ड करने लगते ये पराकाष्ठा है संवेदनहीनता की और मैं अक्सर कहा करता हूं थोड़ा लाइटर साइड पे है लेकिन मैं कहता हूं कि फोन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आदमी अपना चरित्र इतना तेजी से बदलता है जिसकी हद नहीं मैं मंच पे अपने कवि समय के मंच पे अक्सर कहता हूं, ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि आप किसी पुरुष को बात करते हुए देखिए मोबाइल फोन पे, अगर उसका स्वर अचानक मीठा हो जाए तहजीब वाला हो जाए तो समझ लीजिए सामने कोई स्त्री है जो उसकी नहीं है हमारा हाल ऐसा है आपकी बात में बहुत सच्चाई है। तालिया ये, ये सच्चाई है क्योंकि आदमी जब बात कैसे करेगा हाँ हेलो या या या। नो 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 टुमारो नो या या नो डोंट फोर्स और जब स्वयं की पत्नी हो और तब मोबाइल पे जब आदमी बात करता है तब पूरा सेंटेंस बोलता ही नहीं है नगमा जी एक वर्ड बोलता है वो भी रिपीट करता हुआ हेलो हेलो हाँ हाँ ऑफिस में ऑफिस में खालिया खालिया फोन रख फोन रख हमारी स्थिति है जी पर शैलेष जी आपने भी बात की फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कितने हैं अफसोस है कि उस बात से आपकी शोहरत का अंदाजा लगाया जाता है और इसलिए अब तो कई मीडियोकर लोग जो है वो सेलिब्रिटी हो गए बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे पूरा इतफाक रखती हूँ सिर्फ <laughs> इसलिए कि वो यहाँ देखे जाते हैं जी मैंने जी। ऐसे बुरा मत मानिएगा लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके करोड़ों लोग यहाँ फॉलोअर हैं लेकिन वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि इनकी भाषा अलग है इनके साथ वही बात कर सकता है जो ऐसा रहा हो जिसने इस तरह की जिंदगी निकाली हो वो भाषा हमारी नहीं है वो अंदाज हमारा नहीं है पर वो कितना ज्यादा जरूरी होके रह गया बहुत अफसोस है लेकिन ये सच्चाई भी है कि कितने फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से लोगों के चाहे वो टेलीविजन की हम बात करें तो एंकर शो मिलते हैं कवियों की बात करें तो उनको महफिलों में बुलाया जाता है तो ये एक इतनी जरूरी चीज़ हो रही लेकिन है लेकिन कवि सम्मेलन में कहूंगा अभी बचा हुआ है वो फॉलोअर की संख्या से नहीं चलता। शायद मुझे पता मुझे नहीं मुझे लगता है आज भी कवि सम्मेलन में कभी इसलिए बुलाया जाता है कि वो कैसी कविता करता है वो इसलिए नहीं बुलाया जाता कि उसके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं वाह भाई वाम करते हैं मैं रोज के तीन कवि बुलाता हूँ और देश की उन चुनी हुई प्रतिभाओं को जो अपने छोटे छोटे गाँव में बसे पे लेकिन उन्हें बुला के हम पढ़वाते हैं उनके कोई फॉलोअर नहीं है उनके यूट्यूब पर वीडियोज इतने नहीं देखे जाते लेकिन उनके पास कविता है उनके पास भाषा है उनके पास जुबान है उनके पास अंदाज है और सबसे बड़ी बात उनके पास सपना है और जब कोई व्यक्ति भाषा और हिंदी को लेके कोई सपना देख रहा है कविता को लेके सपना देख रहा है तो उसे आगे आना चाहिए मुझे लगता है कवि सम्मेलन अभी इनसे बचा हुआ है कि फॉलोअर्स की संख्या की वजह से नहीं बुलाया कह सकती हूँ कुछ हद तक बचा हुआ है कहीं कहीं बचा है पर बहुत सारी महफिलें ऐसी होती हैं बहरहाल इस बह में ये आपसे जानना चाह रही थी कि इसका दबाव कितना होता है आप जैसे लोगों पर भी सेलिब्रिटीज पे भी क्योंकि अब आप देखें कि पहले अगर हम फिल्मों की भी बात करें तो जो एक्टर्स अदाकारा अदाकार होते थे वो उन उनका काम था वो अपने आप में महदूद थे ज़माना बदला सोशल मीडिया है उनके पास भी एक मजबूरी है कि वो अपनी रोज़मर्रा जिंदगी की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड करें कहाँ कौन घूमने जा रहा है कब कौन एयरपोर्ट पे है कब किसने क्या बैग पकड़ा तो ये इस तरह का जो दौर है वो वो कितना दबाव डालता है कलाकार पर देखियो मुझे लगता है कि ये बड़ा सब्जेक्टिव है वैयक्तिक है आप आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ज़रूरी हो गया है जो कहते हैं दिखना बड़ा ज़रूरी है और जब पूरी दुनिया पूरा देश यही देख रहा है तो उन्हें लगता है हम अगर यहाँ नहीं देखे गए तो शायद हम कुछ अलग हो जाएंगे कुछ छूट जाएगा तो अपना काम करें रहे जिससे लगता है कि हम ऐसा किया जाना चाहिए वो ज़रूर करते दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक तो वो जो उनके घर में कचरा भी हो तो उसका प्रचार कर देते हैं और दूसरे वो जो प्रचार को कचरा समझते हैं तो ये अब डिपेंड करता है ये बहुत वैयक्तिक है कि कौन कैसे क्या कर रहा है आप अपने फैंस के साथ उनसे जुड़ाव रखने के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें कोई तो खराब का प्रचार और प्रचार को कचरा इन दोनों के बीच में शैलेश जी की जगह देखिए शैलेश जी तो आपके सामने बैठे हैं <laughs> जैसे हैं वैसे नो फिल्टर्स जुबान और दिल में कोई फर्क नहीं है जो यहां आया वो यहां है तो निश्चित तौर पर मैं एक जमाने में तो सोशल मीडिया पर था ही नहीं लेकिन मुझे आना पड़ा आना इसलिए पड़ा कि इतने नकली शैलेश नोडा हो गए तो जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने कहा कि बताओ तो सही कि असली आप ये हो जी तो इस वजह से आना पड़ा और आने पे जहाँ कभी कभी जरूरत होती है वो कुछ ना कुछ डाल दिया करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैं बर्गर खा रहा हूँ उसकी फोटो डाल दी <laughs> या आज मैं पानी पूरी के थेले पे खड़ा हूँ वैसा कुछ कर दिया ऐसा नहीं लेकिन जहाँ कुछ जरूरी होता है कोई सूचना देनी होती है तो थोड़ा बहुत कर लिया जाता है ये बहुत मददगार भी साबित हुआ वैसे सोशल मीडिया बहुत तरह के नए कलाकारों के लिए भी अपने टैलेंट को भी शोकेस करने के लिए तो वो एक हिस्सा भी इसका है जो ज़रूरी पहलू है आ, आ, कुछ और कविताओं की मैं बात करना चाहूंगी और मैंने पहले कहा था कि आपने रिश्तों पे भी बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे मैंने भी आपकी माँ पे जो कविता थी जिस पर आपने बार बार कहा कि मैंने ये कुछ लिखा नहीं या कोई ऐसा है मैंने ये माँ पे कभी नहीं लिखा माँ पे कभी मैंने उस जिंदगी पे लिखा जो माँ के जाने के बाद होती है जी जी तो उसमें से लंबी है कविता पर अगर आप कुछ उसमें से चंद लाइनें भी सुनाना चाहें तो क्योंकि वो बहुत सारी माएँ यहाँ बैठी होंगी हम सब इस एहसास लोगों की माएँ जो हैं जो अपनी माँओं से दूर हैं मैं वो वाली कविता तो बहुत लो, क्योंकि की लोगों की जबान पर चढ़ी हुई है खूब लोगों को याद है और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझ जैसे गांव के लड़के की कविताएं लोगों की पे है याद है जी, लेकिन जी। मैं एक बेटियां वाली सुना देता हूँ जरूर वो जरूर मुझे लगता है कि मेरे दिल के करीब है और एक नई कविता मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं कहीं पढ़ के उसे सुना दूंगा क्या क्या बोलते हैं पढ़ के सुना दू जरा है? और ये बेटियां कविता सुनाने के लिए मैं खड़ा हो जाऊँ क्या बैठ के नहीं जरूर, बिल्कुल जरूर जरूर मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर है बहुत बहुत शुक्रिया ये कविता मैंने रंगमा जी रिश्तों की कविता है इसलिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इससे मुझे याद दिलाया और सबसे पहले एक बार नकवा जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए जितना सहजता से जितनी सरलता से और बिना प्रयास के आप बातचीत करती हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि लोग बड़ा प्रयास से बातचीत करते हैं और बड़ा बन के बोलते हैं आप जितनी नेचुरल हैं बहुत बहुत अच्छे ढंग से आप करती हैं कमाल है टेलीविजन पे हम आपको देखते ही हैं तो अद्भुत है ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी और ये अपनी बेटी के लिए लिखी थी मुझे नहीं मालूम था ये जनता की कविता है और कविता का कारण सिर्फ इतना सा था कि हम अपनों के साथ रहते हैं लेकिन अपनों के साथ नहीं रह पाते हम अपनों के साथ रहते हुए कितना दूर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता हुआ ये था मैं मुंबई में काम करता था बिटिया आज भी वहीं करता हूँ बिटिया जोधपुर में रहती थी राजस्थान में अब तो वो विदेश में रहती है तो छोटी सी थी और मैं उदयपुर एक कार्यक्रम के सिलसिले में गया तो उसका एक मेरे पास फ़ोन आया कि बब्बू वो मुझे बब्बू बुलाती है बब्बू वेयर आर यू मैंने कहा मैं उदयपुर में हूँ तो उसने कहा उदयपुर तो जोधपुर के पास है मैंने कहा कि आप आ रहे हैं मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं आ सकता कमिटेड हूँ मुझे जाना है मैं एक साथ तीन चार शो कर रहा था उस वक्त कॉमेडी सर्कस डेली टेलीविज़न शो बहुत खूब तमाम शोज चल रहे थे वक्त नहीं था मैंने कहा मैं नहीं आ सकता अब पता नहीं उस छोटी सी बच्ची ने किससे सुना किससे पढ़ा लेकिन उसने अप्लाई मुझ पर किया उसका फ़ोन आया पाँच मिनट बाद और मुझे कहती है कि अगर आप कहीं जाते हैं एक दिन किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तो कितने पैसे लेते हैं क्या चार्ज करते हैं मैंने कहा तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो कि नहीं अगले हफ्ते जो है मेरा स्कूल में मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो क्या मैं प्रिंसिपल से कहूँ कि आपको एज ए चीफ़ गेस्ट बुलाए तो आप कितने पैसे लेंगे यकीन मानिए मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया मेरे पास सब कुछ था लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं था तब मैंने लिखा कि क्या कहूँ वो परियों का रूप होती है बच्चे होते कैसे एक मजदूर से किसी ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है मज़दूर जो सुबह से रात काम करता है उसने कहा इतना बड़ा बोले ये बताने का कौन सा तरीका हुआ इतना बड़ा है तो बता आठ साल का है, नौ साल का है दस साल का ग्यारह साल का है बोले साहब मज़दूर हूं या ये बता इतना 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 ऊँचा है, है ये क्या तरीका है बोले मजदूर हूं तो तारीखों और कैलेंडर का हिसाब तो कभी रखा ही नहीं तो पता ही नहीं कब पैदा हुआ और कितने उम्र बीत गई कितने महीने का हुआ कितने साल का हुआ तो दस ग्यारह साल तो बता नहीं सकता और यूं 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 यू, इसलिए नहीं बता सकता साहब कि सुबह जब काम पे जाता हूं वो सोया रहता है रात को लौटता हूं जब तक सो जाता है देखा ही ऐसे है ऐसे तो देखा ही नहीं तब मैंने लिखा कि क्या लिखूँ वो परियों का रूप होती है क्या लिखूँ वो परियों का रूप होती है या कड़क की ठंड में सुहानी धूप होती है वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है आप जब घर में गुस्से में जाते हैं तो माए बच्चों को आगे कर देती है कि ताकि बाप का गुस्सा शांत हो जाए क्या लिखूं वो परियों का रूप होती है या कड़क की ठंड में सुहानी धूप होती है वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है वो जिंदगी सही जीने का आचरण है वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है वो ताकत जो छोटे से को महल कर दे वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सास सास होती है क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है ना खिलौना बच्चे हमसे चाहते क्या यार हम देते क्या हैं उसकी आंखें ना हमसे गुड़िया मांगती है ना खिलौना घर कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना हर बच्चा यही पूछता है घर कब आओगे एक छोटा सा सवाल सलोना जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छुपा अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब तारीख बताओ टाइम बताओ वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पर रख लेती है किताब आखिर ये रिश्ता होता क्या जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ वो आपको कहने जा रहा हूँ कि आखिर रिश्ता होता क्या है इस रिश्ते की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती जब मैंने कहा कि उसकी आंखें ने घुड़िया मांगती है ना खिलौना, घर कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना ये रिश्ता क्या है पैतीस हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान विमान में सवार बहुत सारे लोग कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई पत्रकार कोई कवि कोई टीचर और सबसे आगे की सीट पे बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची खिलौने से खेलती हुई सारे लोग जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान की और अचानक आया एक बड़ा तूफान इतना बड़ा तूफान कि गिरने लगा विमान और जब गिरने लगा विमान तो बच गया हाहाकार मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगी लोग रोने लगे चिल्लाने लगे चीखने लगे कि मर जाएंगे लोग भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं लोग भूल गए कि मैं इंजीनियर हूँ लोग भूल गए कि मैं आर्किटेक्ट हूँ बस आंखों में आंसू थे ईश्वर से प्रार्थना के ईश्वर बचा ले अगर आज बचा ले तो जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे और वो लड़की आगे बैठी थी खिलौने से खेल रही थी गिरता विमान आंखों के आगे मौत हाहाकार तांडव आंसू चीख पुकार और शांत बैठी हुई लड़की पता नहीं भगवान ने सुन ली शायद संयत हुआ मौसम संयत हुआ विमान सब कुछ ठीक हो गया लोगों की जान में जान आई जब जान में जान आई तो एक व्यक्ति उस बच्ची के पास गया और बोले बेटा हम मर रहे थे जान जा रही थी भगवान जी मैं आपको समर्पित करता हूं आप बेटी हैं तब तो आपको समर्पित करता हूं जान जा रही थी हम मर रहे थे रो रहे थे मैं डॉक्टर हूँ ये इंजीनियर है प्रोफेसर है हमारी आंखों में आंसू थे और बेटा तुम यहाँ बैठी हुई एक सिलौने से खेल रही थी बेटा तुम्हें दिखाई देता है ना उसे लगा कि शायद बच्ची को दिखाई नहीं देता बोले तुम्हें दिखाई देता है ना बेटा कि हाँ अंकल मुझे सब सब दिखाई देता है बेटा तुम्हें सुनाई देता है बोले हाँ अंकल मुझे सब सुनाई देता है तुम सब देख रही थी सब सुन रही थी तुम्हें डर नहीं लगा कि नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं और मैं जानता हूं मेरा पिता मुझे मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना घर कबाओ के छोटा सा सवाल सलोना जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छिपाते हुए देता हूं जवाब तारीख बताओ टाइम बताओ वो उंगलियों पर करने लगती है हिसाब और जब नहीं दे पाता ना सही सही जवाब अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पर रख लेती है किताब वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मस्जिद की ड्राइव फाइव स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम खरीद के देते हैं पर जो दे सकते हैं और नहीं देते वो सुनना वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मर्सिडीज़ की ड्राइव फाइव स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है और मैं वही बेटा काम है बहुत ज़रूरी काम है नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा जैसे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूं और वो सपने में खेलते हुए सोती है और रात को सपनों में ही मेरे साथ रोती है और हम समझते हैं सपनों में मेरे साथ रोती है जिंदगी ने जाने क्यों इतनी उलझ जाती है और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं बेटियां सब समझ जाती हैं बेटियां सब समझ जाती हैं मैंने उसके लिए लिखा था और बहुत खूब नहीं चीज बात पूरी करें। हम सबके एहसास इससे जुड़े हैं बहुत सारे लोगों की जब ये आगे नहीं बैठे हुए कुछ लोगों की आंखों में जब मैंने आंसू देखे इस वक्त जब ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये शायद कविता की जीत है ये कविता की ताकत है हम जो कुछ बने हिंदी कविता हिंदी कविता मंच और जुबान की वजह से बने भाषा की वजह से बने जो हमारी हिंदुस्तानी जुबान है उसका कमाल है ये उसी की ताकत है कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाए लेकिन जब संवेदनाएं नहीं बचती तो मैं आखिर में अगर आप कहें तो एक कविता सुना देता हूँ और ये मुझे याद नहीं है आपका मेरे को साथ देना पड़ेगा मैं कागज़ देख के सुना सकता हूँ बिल्कुल जी शुक्रिया हाँ इसका शीर्षक है मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ मैं इन दोनों जब बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं बच्चे हैं भी क्या तब मैंने कविता लिखी कि मैं बच्चे ढूंढ रहा मैं उस जमाने का आदमी हूँ मैं पूरे जीवन में अपने पिता से कभी गले नहीं मिल पाया क्योंकि सम्मान इतना रहा कि हमने हमेशा पाँव छुए उन्हें कभी गले नहीं मिले हम लोग अपनी माँ से गले नहीं मिले बस पाँव छूते रहे और आजकल के बच्चे तो पता नहीं तब मैंने कविता लिखी कि मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं मुझे लगता है मैं ये आखिर सुना दूं अगर आपके पास कोई और सवाल है तो बताएं नहीं आप कविता सुनाएं उसके, उसके, उसके बाद जी, आप जी, जी, सुनाता हूं मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं बच्चे जो मां की लोरी सुने आजकल कहां होता है साहब मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं बच्चे जो मां की लोरी सुने जो बच्चे धागों के टुकड़ों में सपने बुने वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने और धागों के टुकड़ों में सपने बने बच्चे जो कंप्यूटर में आँखें न गायें बच्चे जो कंप्यूटर में आँखें न गाये बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने निकल जाए बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने एक ज़माना था जब माएँ चिल्लाती थी घर में कब आएगा घर में कब आएगा आप कहती है बाहर कब जाएगा हमेशा कंप्यूटर के सामने बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें न गायें बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने चले जाएँ बच्चे जो नारंगी की गोली चूसें और मुस्कुराएं बच्चे जो नारंगी की गोली चूसे और मुस्काए बच्चे जो बॉनविटा के डब्बे से बॉनविटा चुरा के खाए बच्चे जो बॉनविटा के डब्बे से बॉनविटा चुरा के खाए बच्चे जो लूडो में अपनी गोटी चुपके से आगे खिसकाए मैं बच्चे ढूंढ रहा हूं बच्चे जो लूडो में चुपके से अपनी गोटी आगे खिसकाए बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे मेरी अगली पंक्ति के दर्द को समझना जो आज हम देख रहे हैं जो नहीं होता बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे बच्चे जिन्हें घर में आया मेहमान अच्छा लगे बच्चे जिन्हें घर में आया मेहमान अच्छा लगे बच्चे जो रिश्तेदारों से मिलकर खुश हो बच्चे जो नए के लिए रोए नहीं फटी कमीज सिलकर भी खुश हो बच्चे जो नए के लिए रोए नहीं फटी कमीज कमीज सिल भी खुश हो बच्चे जो मलाई में शक्कर मिलाकर चाटें बच्चे आजकल के बच्चे जो है ना बर्गर पिज्ज़ा मोमोज आई डोंट लाइक दैट लाइक हमारे ज़माने को देखो आप क्या जमाना हुआ करता था हमारे ज़माने में अब ये इंग्लिश स्कूलों के बच्चे में जब देखता हूँ कई बार तो ऐसी स्थिति होती है इनको कहो जैसे टीचर क्लास में आके कहती है वी हैव प्रोग्राम वी आर वेरी एक्साइटेड मैम यू नो वी हैव ए प्रोग्राम हमारे जमाने में कल प्रोग्राम है बस्ता लेके आना है क्या हम उस जमाने के लोग ये लोग आईफोन आईपैड पे खेलते हैं। हमने सारी उम्र अखबारों में लोगों की दाढ़ी मूछ बनाने में निकाल दी हम लोग वो करते खुश हो जाते मैं या अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे देख रहा था कोई जू में गए चिड़ियाघर में देखने गए तो एक बच्चा दूसरे से बहुत तहजीब के साथ उन्हें मंकी स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब और हमारा जमाना मार इसका तेरा तरफ सो रहा है वहां पे इन्हें चाहते ही सब कुछ मिल जाता है हमें दो दो रुपए के लिए दो दो घंटे नागिन डांस करना पड़ता था घर में जब जाके था तो बच्चे बच्चे जो मलाई में शक्कर मिलाकर चाटें बच्चे जो अपने कंचे अपने खास दोस्तों को बांटें बच्चे जो अपने कंचे अपने खास दोस्तों को बांटें बच्चे जो दौड़ पर मंदिर और की और आरती की घंटी पर बच्चे जो किताब की ओर देखे, देखे भी नहीं छुट्टियों में बच्चे जो किताब की ओर देखे भी नहीं छुट्टियों में बच्चे जो पालती मारकर बैठे टाट पट्टियों में बच्चे जो चौकरी मारकर बैठे टाट पट्टियों में बच्चे जो पापा की उंगली पकड़ते हुए शर्माए नहीं बच्चे जो पापा की उंगली पकड़ते हुए शर्माए नहीं बच्चे जो मिठाई की ओर टुकड़ टुकड़ ताकते हुए लजाए नहीं बच्चे जो मिठाई की ओर टुकड़ टुकड़ ताकते हुए लजाए नहीं बच्चे जो रोए तो ऐसा रोए कि पूरा मोहल्ला सुन ले बच्चे जो रोए तो ऐसा रोए कि पूरा मोहल्ला सुन ले बच्चे जो दिन में आंखें बंद कर लेट जाए पर न सोए बच्चे जो आंखें बंद करके लेट जाए पर न सोए और पूरा मोहल्ला सुन ले इस तरह से रोए बच्चे जो बुआ से कहें पापा से कहो ना पिक्चर ले जाए बच्चे जो बुआ से कहें कि पापा से कहो ना पिक्चर ले जाए बच्चे जो अपनी कुल्फी दूसरों के बाद खाएं बच्चे जो अपनी कुल्फी दूसरों के बाद खाएं बच्चे जो ठंड में बाथरूम में जाने से डरे हैं बच्चे मैं ढूंढ रहा हूं बच्चे बच्चे जो ठंड में बाथरूम में जाने से डरे बच्चे जो जब जी चाहे जिद करें बच्चे जो जब जी चाहे जिद करें बच्चे जो चढ़े दादाजी के पेट पर बच्चे जो कॉमिक्स पढ़े उल्टे लेटकर बच्चे जो चढ़े दादाजी के पेट पर बच्चे जो कॉमिक्स पढ़े उल्टे लेट कर बच्चे जो बीच की घी वाली रोटी का टुकड़ा सबसे पहले लेने लगे बच्चे जो बीच की घी वाली रोटी का टुकड़ा सबसे पहले लेने लगे बच्चे जो स्कूटर के आगे खड़े होकर हॉर्न बजाएं बच्चे जो स्कूटर के आगे खड़े होकर हॉर्न बजाएं बच्चे जो चौक से मोर बनाएं बच्चे जो कभी कभी फ्रॉक पहनकर दीदी, <ieving cigar> दीदी बन जाएं बच्चे जो कभी कभी फ्रॉक पहनकर दीदी बन जाएं बच्चे जो बात बात में विद्या की कसम खाएं बच्चे जो बात बात में विद्या की कसम खाएं शुक्रिया बच्चे तो बात बात में विद्या की कसम खाएं बच्चे जो फ्रॉक पहनकर दीदी बन जाएं बच्चे जो टीचर के पीछे टीचर की एक्टिंग करें <puffing> बच्चे जो टीचर के पीछे टीचर की एक्टिंग करें बच्चे जो क्रिकेट में आउट होने पर भी आउट न होने की चीटिंग करें बच्चे जो क्रिकेट में आउट होने पर भी आउट न होने की चीटिंग करें बच्चे जो लैपटॉप के चार्जर ना ढूंढें बच्चे जो लैपटॉप के चार्जर ना ढूंढे बच्चे जो चाचा चौधरी और लोट लाए बच्चे जो गमलों में सिक्कों के पेड़ उगाएं बच्चे जो गमलों में सिक्कों सिक्कों के पेड़ उगाएं बच्चे जो गाड़ियों के पीछे दौड़े बच्चे जो गाड़ियों के पीछे दौड़े बच्चे जो दिवाली पर टेबल पर रखी कोई मिठाई न छोड़े बच्चे जो दिवाली पर टेबल पर रखी कोई मिठाई न छोड़े बच्चे जो चीनी खाए पर कीड़े काट रहे हैं ये छुपाए बच्चे जो चीनी खाए पर कीड़े काट रहे हैं है। बच्चे जो चोट लगने पर मिट्टी लगाए बच्चे, लगा बच्चे जो गलियों में कुत्तों के पीछे भागे बच्चे जो गलियों में कुत्तों के पीछे भागे बच्चे जब तक बाप की लात न पड़े तब तक न जागे बच्चे जब तक कोई डांटे नहीं तब तक न जागे बच्चे जो आईफोन में आंखें न गड़ाए हो बच्चे जिन्होंने किताबों में अपने हाथ से फोटो बनाए हो बच्चे जिनके अंगूठों पे, पे शाही के निशान हो बच्चे जिनके अंगूठों पे शाही के निशान हो बच्चे जिनके लिए उनका खानदान सबसे महान हो बच्चे जिनके लिए उनका खानदान सबसे महान हो बच्चे जो नानी के पेट पर हाथ रखकर सोएं। बच्चे जो नानी के पेट पर हाथ रखकर सोए बच्चे जो जब जी चाहे हंसे जब जी चाहे रोए बच्चे जो पतंगों में लंगर डालें बच्चे जो कांच के टुकड़े पत्थर और माचिस की डिब्बियों को अपने बक्से में संभालें बच्चे जो खेलें दौड़ें कूदें जिद करें माँ बाप बच्चे रोए दौड़ें हंसे कूदें जिद करें माँ बाप के सामने जो कच्चे ना हो मैं ढूंढ रहा हूं वो बच्चे जो बच्चे हो बच्चे मैं ढूंढ रहा हूं वो बच्चे जो बच्चे हो इसलिए इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने। शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया चलिए जी इसके आगे हम क्या कहें ये तालियों की गड़गड़ाहट जो किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा इनाम है ये ये हिंदुस्तान है और ये भी दिखाता है ये मेरा देश है किसी शायर के दो शेर याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने हालात से शीशे का वतन मांग लिया हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया ये जो वतन है देश है ये मेरा देश है जो कविता और शायरी पे इस तरह से झूमता है ये मेरा देश है जो अल्फाज की ताकत समझता है ये मेरा देश है जो शब्दों को साम जानता है ये मेरा देश है जो कवियों को माथे पे बिठाता है ये मेरा देश है ये हिंदुस्तान के अलावा और कहीं हो नहीं सकता ये मेरा हिंदुस्तान है और आपके आपके अल्फाज जो हैं वो कैसे हर दिल को छूते हैं ये भी ये जाहिर है क्योंकि जो तालियों की गूंज है तो तालियों की गड़गड़ाहट है या जो आँखों में आया हुआ पानी है वो ये भी दिखा रहा है कि हम सब उन उस बचपन को भी ढूँढ रहे हैं उस बचपन की याद भी आ रही है और उस इंसानियत को भी ढूँढ रहे हैं जिसकी भी कमी बहुत ज़्यादा आजकल खलती है और हम सब वो बच्चे ढूंढते हैं जो चार्जर के पीछे ना भागे जो कुत्तों के पीछे भाग रहे हो जो उल्टा लेट के कॉमिक्स पढ़ रहे हो क्या खूब कहा आपने शैलेश जी वाकई ये सब की मेरे ख्याल से तमाम यहाँ जो माएँ बैठी हैं उनके दिलों का दर्द तो ज़रूर था ये वो बचपन है ना वो तमाम बचपन वो सब लोग ढूंढ रहे हैं और अब अल्फाज जो है वो कितने कितने सच्चे हैं जो एहसास को बयान कर रहे हैं ये तालियों की गड़गड़ाहट से पता चला और इनके लिए कोई भी भाषा जुबान किसी की कोई बंदिश नहीं है आप हिंदी बोलें आप उर्दू बोलें रेखता का जश्न है आ, लेकिन इसमें जो हिंदुस्तान दो अलग भाषा है ही नहीं है ही नहीं वही कहना चाह रही थी इनकी कैसे? स्क्रिप्ट अलग हो सकती है जी, जी, भाषा जी, अलग नहीं है। जी जी मैं वही आपसे कहना पूछना चाह रही थी कि एक तो ये हो तो पूछते हैं आप हिंदी के कवि आप उर्दू के शायर हैं पर दरअसल हिंदी उर्दू दो बहनें जिनको आप अलग कर ही नहीं सकते और कैसे वो हिंदुस्तानी है जिसे लेके भी बड़ी सियासत हुई लेकिन बहरहाल खूबसूरती उसी में है जो वो हिंदुस्तानी जबान है जो आपकी जबान है तो आप हिंदी और उर्दू समाई हुई है आपकी कविताओं में क्योंकि मेरी जुबान वही है जो मैं सुनता रहा हूँ और जो बचपन से बोलता रहा हूँ ये मेरे देश की जुबान है मेरी माटी की जुबान है और ये दोनों ही भाषाएं हमारे देश की भाषाएं हैं यहीं पैदा हुई हैं यहीं की भाषाएं हैं और मैं हिंदी का बेटा हूँ ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि जो कुछ दिया मुझे हिंदी ने दिया हिंदी माँ ने दिया मैं उसे हिंदी माँ कहता हूँ और यहाँ तक पहुँचा इसलिए मुझे अपनी ज़बान पर अपनी भाषा पर अपनी संस्कृति पर अपने कल्चर पर अपने साथ पे अपने समाज पर और अपने देश पर बड़ा गर्व रहता है और हमेशा रहेगा क्योंकि मैं इस लायक इसी वजह से बना क्योंकि इस माटी में पैदा हुआ बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैले जी इसके आगे इन तमाम खूबसूरत अल्फाज के आगे हमारे पास ज्यादा और क्या कहें हम बहुत तमाम लोग जो हैं आपको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं अगर आप उनके लिए कुछ और एक दो कुछ सुनाना चाहें शेर तो सवाल तो मेरे पास इसके आगे कुछ है नहीं आप, आप सवाल एक 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 करें सुने अचानक से एकदम कुछ याद नहीं आ रहा है एकदम से वो तो एक कविता दिमाग में क्योंकि मैं कविताएं छोटी कविताएं जो है ने, मुझे ने, अचानक याद नहीं आ रही है लेकिन अगर वक्त भी चूंकि हमारे पास खत्म हो गया है लेकिन इतनी तालियां यहाँ पर आपके आपने जो अपने अल्फाज यहाँ सुनाए तो अगर अच्छा तो चलिए मैं जाते जाते आपको जी माँ आज नहीं मैं फिर कभी सुना दूंगा जी, जी। मैं गाता नहीं हूं लेकिन इतने श्रोता एक साथ मिलते नहीं है तो मैं जाते जाते आनंद बख्शी साहब की एक बड़ी खूबसूरत चार पंक्तियां हैं जी वो सुना देता हूं मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी टूटा खाली जाम। ओ मैं चला मैं चला मैं शायर बदनाम ओ मैं चला मैं चला महफिल से ना का शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जी और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का देखता की महफिल सजी रहेगी आगे शुक्रिया